हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क के टाइप टू की तरफ, जो कि हम किरण प्रकाशन बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 से देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है और हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास में किरण प्रकाशन की बुक है, टाइम एंड वर्क सॉल्व कर रहे हैं हम, तो प्लीज़ ओपन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, टाइम एंड वर्क टाइप टू है, और जो कि क्वेश्चन नंबर कितना होगा हमारा 31, मतलब 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत आसान वे से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए और बी एक कार्य को क्रम से 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 45 और 40 दिनों में ए और बी हैं, दो लोग हैं, जो कि ए कर रहा है 45 डेज में और बी उसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में। सबसे पहले काम क्या होगा मेरा, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम बताइएगा कितना हो जाएगा, 45 को डबल करता हूँ कितना हो जाएगा, 90, लेकिन 90 जो है 40 में नहीं आता, तो नहीं होगा। 9 में और डबल करो, 9 करीबन ऐसा ले लेते हैं 360, 9 चौक 36, 360 से काम हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 360 सर आपने कैसा लिया, मैंने ऐसे देखा कि 45 दुनी 90 होते हैं। ठीक है, अब 90 होते हैं, चार के पारे में 90 तो आएगा नहीं, 90 का दुनी कितना होगा 180, लेकिन 180 भी नहीं आएगा चार के पारे में, 18 नहीं आएगा। फिर मैंने सोचा आगे की ओर चलते, तो 4 निम 36 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा अब, लेकिन 45 से काटेंगे तो कितना होगा, 45 दुनी 90, 90 एक सेकेंड डिवाइड कर लेते, 360 बट्टे हो जाएगा 45। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 चौक 94 जा 36, 95 जा 45, 5 से काटेंगे, 5 8 40, तो कितना हो जाएगा 8 बार। ये तो हो गए यहाँ पे, अब आगे की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। देखो, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू किया उन्होंने, मतलब ए प्लस बी ने कार्य शुरू किया। ठीक है, ए प्लस बी ने कार्य शुरू किया और ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया। हमें वो समय नहीं दिया गया, लेकिन इतना पता है कि कौन जा रहा है, ए, तो फिर आगे का काम कौन कर रहा होगा, बी। सीधी सी बात है, बी ने 23 दिन में से इस काम किया, मतलब यहाँ पे जितना काम बचा था वो कितने दिन लग गए, 23 डेज, कितने दिन, 23 डेज। तो 23 दिन में उसने काम कितना किया होगा भाई, एक दिन में बी कितना करता है, 9, एक दिन में 9 करता है, तो 23 दिन में कितना कर लेगा, 23 × 9, तो मल्टीप्लाई कर लेते, 9 × 3 = 27 की 7, 2 कैरी, 9 × 2 = 18, 19 = 20, तो 207 काम तो यहाँ पे बी ने कर लिया। अब देखो 207 काम हो चुका है यहाँ पे, तो माइनस कर दूँ 360 में से, क्योंकि कुल काम कितना है 360, और हमें ये निकालना है, तो 207 माइनस कर देंगे 207। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 माइनस करेंगे, सबसे पहले एक कैरी लेंगे, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, और 5 बचे, 5 में से 0 गए तो 5 बचे, अब यहाँ पे कितने, 3, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो कितना हो गया 153, और जो 153 होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे हुआ होगा 153। 153 डिवाइडेड बाई, अब देखो 8 और 9 कितना हो गया 17। ठीक है, अब 7 से 7 नाम 63। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 × 9, शायद 9 बार जाएगा, चेक कर लेते, 7 × 9 = 63 की 6 9 × 9 = 15, तो मतलब कितनी बार जा रहे, 17 × 153। तो सीधी सी बात है, 17 × 153 हो गया यहाँ पे, तो इन्हें कितना समय लग गया इधर, 9 डेज, कितना समय लगा, 9 दिन का इधर समय लग गया इन्हें। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या वो देख लेते हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए ने कितने दिन बाद, मतलब कितने समय बाद कार्य छोड़ा, तो देखो यहाँ पे कितनी है रेंज, यहाँ पे ही तो छोड़ दिया, तो मतलब ये कितना है 9 दिन, तो सीधे सीधे हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 9 डेज के बाद, 9 डेज के बाद उन्होंने कार्य छोड़ दिया, मतलब किसने, ए ने, तो ये क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है 9 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आप सिंपल वे से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज।
चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ए कॉमा बी और सी क्रम से 24, 30, 40। देखो ए बी सी तीन कैंडिडेट हैं, ए बी और सी तीनों लोग जो है कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 24, 30 और 40 दिन में। सबसे पहला काम होता है इनका एलसीएम। अच्छा तो एलसीएम बताइएगा कितना हो जाएगा, 24, 120 से काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। देखो 120 हमने रख दिया, अब 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 4 12, 24 5 120 कितना हो जाएगा, 24 5 120, ये हो गया काम फिनिश। इतना तो आपको करना है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ कर दिया, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया, ठीक है। शुरू करने के बाद में क्या होता है, देखो ध्यान से, शुरू किया किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, कितने दिन पहले छोड़ दिया, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। किसने, ध्यान से देखिएगा, किसने, सी ने, यहां पे सी चला गया, ठीक है। आगे की लैंग्वेज देखते क्या बोल रहे हैं, छोड़ दिया, कार्य कितने दिन में पूरा किया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो ए प्लस बी प्लस सी थे, सी यहां पे उतरा तो यहां कौन बचा होगा भाई, ए प्लस बी ने काम किया होगा, कितने दिन, ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया होगा। तो देखो ए प्लस बी ने कितना, एक दिन में कितना करते, 5 और 4 9, एक दिन में कर रहे 9, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, 9 6 36। 36 बार हो गया, 36 काम हो गया, तो माइनस कर दूं 36, 10 में से 6 गए तो बचेंगे कितने, 4, 11 में से 3 गए तो बचेंगे कितने, 8, तो मतलब 84 जो काम है वो बचा रह गया अब हमारे पास। अब 84 वर्क है वो किसने किया होगा भाई, इस साइड में ही तो की हुआ होगा, और ये कौन कौन कर रहे हैं, तीनों कैंडिडेट, तो 5 6 9 10 11 12, 12 से डिवाइड कर देंगे, और 12 से डिवाइड करने पे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन निकल के आ जाएंगे। इतने एरिए में जो 4 दिन लग रहे हैं, और इस एरिए में हम डिवाइड करके कितना आ सकता है, 12 7 84, तो यहाँ पे हो गए 7 दिन, ये 7 दिन हो गए, ये 4 दिन हो गए। तो क्वेश्चन ने ये टोटल पूछा है कि कुल कार्य कितने में होगा, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 days, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप सिर्फ सीरीज वे में सॉल्व कीजिएगा प्लीज, जिससे मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, बेसिक में किस किस प्रकार से कराया, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो, और अगर पुराने स्टूडेंट्स हो तो आप कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। चलो फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप उसे फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ए कॉमा बी और सी को अलग अलग 16, 32 और 48, ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी और सी तीन लोग हैं, कितना कितना समय लेते हैं भाई, देखो ध्यान से, 16, 32, 48, कितना कितना, 16, 32 और 48 समय लेते। अब यहाँ पे एलसीएम की बात आती है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 48 का डबल करेंगे तो 96, तो 96 देखो 32 से जा रहे हैं, हाँ 32 दिया, 16 से बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, 16 6 96, तो अब यहाँ पे देखो 48 से कितनी बार, 2 बार भाई, ठीक है, 32 से कितनी बार, 3 बार, 16 से कितनी बार जाएगा, 16 6 96, 6 बार। अब क्या क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, वे साथ साथ कार्य करना आरंभ करते हैं भाई, साथ साथ काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ए प्लस बी ने साथ में काम शुरू कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी ने, तीनों लोग काम पे लग गए, ठीक है। आगे देखते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, मतलब मैं ये मान लेता हूँ ये जो डिस्टेंस है इधर वाली 8 होगी, 8 दिन की होगी, कौन छोड़ देता है, जरा एक बार दोबारा देखिएगा, बी यहाँ पे कौन चला गया भाई, बी चला गया। आगे की लैंग्वेज देखते हैं, पहले आप इस लाइन को पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बी जो है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, सी 6 दिन पहले,
से ये जो है 6 दिन पहले मतलब कार्य समाप्त होने से 6 दिन यहाँ पे होगा। जब ये 8 है, ये पूरा 8 है, तो करीबन 6 दिन में यहाँ पे मान लूँ। अब ये कौन जा रहा है भाई? सी जा रहा है, सी 6 दिन पहले। ये अब देखो यहाँ पे देखना कि ये यहाँ पे जो व्यक्ति होगा इसे 8 को रफ कर दो, मतलब ये पूरा ही तो था 8। देखो सी बी जो है यहाँ से लेके एंड वर्क से 8 दिन पहले ही तो जा रहा था, तो ये 6 है, तो फिर ये कितना होगा? 2। समझ के, ये पूरा जो 8 है ठीक है, उसमें से सी वाला, सी जो जा रहा है 6 दिन पहले जा रहा है, और बी जो है या तो ये बोल दो कि सी के 2 दिन पहले जाता है, या फिर ये बोल दो कि टोटल कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले जा रहा है। समझ गए? सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ का जो 8 था वो मैंने यहाँ ले लिया और यहाँ पे 2 रख दिया। क्यों? क्योंकि 6 दिन ये हैं तो 2 दिन ये होंगे, 6 7 8 ठीक है। ओके अब देखो, अब रेलगाड़ी में तीनों बैठे थे, तीनों काम कर रहे थे, काम करते करते बी उतर गया, तो बचा कौन होगा भाई? बी उतर गया तो ए प्लस सी। अब सी उतर गया तो लास्ट में कौन बचा होगा? ए। मतलब 6 दिन तो ए ने काम किया और 2 दिन ए और सी ने काम किया, और ए बी सी ने पता नहीं, ये हम निकालेंगे। चलो तो सी ए का निकालते, ए जो है 6 दिन में, एक दिन में कितना कर रहा है भाई? 6। तो 6 दिन में कितना कर लिया होगा भाई काम? इसने 36 कर लिया होगा। समझ गए? इन्हें अकेले ने 36 काम यहाँ पे कर लिया, ठीक है। 36 माइनस कर दो, कितना बचेगा भाई बताना? 60 बच गया। अब यहाँ पे देख लेते, ए और सी, ए और सी ऊपर नीचे 6 और 2 8, मतलब 8 एक दिन में कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? 16। 8 × 16 मतलब यहाँ इस एरिए में हो गया कितना? 16। तो 16 और माइनस कर दीजिए, तो 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 54। मतलब कितना बच जाएगा? 44। कितना? 44। तो मैं इसे ना ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, 60 को ऊपर ले जाता हूँ और 60 में से माइनस कर देता हूँ कितना? 16। तो यहाँ कितना बचेगा? 4 और 4। समझ गए? अब 44 काम किधर हुआ होगा भाई? इधर कर लिया होगा ना। अब 44 काम किस किसने किया होगा भाई? तीनों ने। तो तीनों की क्षमता कितनी है? 6 और 3 9 10 11 11 से डिवाइड कर दो, 11 चौक 44, इधर काम हो गया 4 दिन में, ये क्या है मेरा? डे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा यहां पे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा भाई? 4 दिन तो ये लग गए, 4 दिन इतना एरिया, कितना? इतना एरिया 4 दिन है, तो ये एरिया कितना है भाई? 8 दिन का है, ये 8 दिन ही तो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 8 दिन, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 डेज। ये क्या होगा हमारा? एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। हम चलते हैं आगे की ओर। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। ए और बी, ए और बी एक कार्य को 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 30 और 36 दिन में कर सकते हैं, और आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं वे दोनों एक साथ। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई बताओ? 36 × 72 होगा, 72 से काम नहीं चलेगा, ऊपर 30 है भाई, करीबन हमें लेना पड़ेगा 270 के आसपास, ठीक है। या फिर हम ले लेते हैं 36 × 72 144 से काम नहीं होगा, यहाँ पे हम लेके देखते हैं 270, ठीक है। तो 270 को डिवाइड करेंगे, 30 से तो जाएगा 3 × 9 = 27 आ रहे हैं, लेकिन 36 से और चेक कर लेते हैं, तो 36 से काटेंगे, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36 नहीं जा रहा, 270 नहीं हो सकता, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सिंपल वे से चेक कर सकते हैं, 30 और 36 का एलसीएम निकालना है तो कितने से काट दूँ? 6 से, 6 × 5 = 36, कितना हो जाएगा सिंपल? 5 × 3 = 18, 18 मतलब 180, 5 × 30 = 18, 180 कितना हो जाएगा? 180 एलसीएम हो जाएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने एलसीएम के थ्रू देख लिया। अब 3 से काटेंगे, 3 × 18, 36 से काटेंगे तो कितना? 18 × 2 = 36, 2 × 5 = 10, तो मतलब कितनी बार? 5 बार। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है,
वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। भाई दोनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया, मतलब ए प्लस बी ने काम शुरू कर दिया, ठीक है, ए प्लस बी ने काम शुरू कर दिया है और आगे क्या बोल रहे हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता, भाई ए चला गया, आगे कौन कार्य करेगा, भाई बी करेगा, सीधी सी बात है, जब ए चला गया, ए चला गया, ठीक है, और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। सो शेष कार्य, ये वाला जो कार्य बी जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में, भाई एक दिन का कार्य कितना है बी का, एक दिन में करता है बी पांच काम, तो 25 दिन में कितना कर लिया होगा, 25 × 125, मतलब इस वाले एरिया में इसे लग गए 25 दिन और 25 दिन में काम कितना कर लिया, 125, 125 मतलब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10, 10 में से 5 के 5 बचे, 7 में से 2 के 2 बचे, तो मतलब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रिमेनिंग वर्क, 55। अब मतलब 55 काम शेष बचा है, अब 55 काम किस कहां किया होगा, यहां पे, और 55 काम इन दोनों ने मिलके किया होगा, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 6 और 5 11, 11 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 दिन, तो मतलब 5 दिन तो यहाँ पे लग गए इसे। अब क्वेश्चन ने अगर कुल पूछा है तो 5 दिन और 25 दिन टोटल कितना हो जाएगा, 30 दिन, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन पे डिपेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 34 ने क्या किया, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, भाई इतने दिन बाद कार्य छोड़ा, इतने दिन, ये कितने दिन है, 5 ही तो दिन है ये, तो 5 दिन बाद, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 डेज, क्योंकि 5 दिन उसने, उन दोनों ने साथ कार्य किया, फिर उसके बाद में ए चला गया, ठीक है, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 डेज हमारा करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से अपने आप सॉल्व कर सकते हो, और इसी मेथड से, मतलब एक तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके थ्रू आप सिंपल वे से कर सकते हो सारे क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बेसिक में कराए हुए हैं और सिंपल तरीके से ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी और सी एक कार्य को 40 दिन में कर सकते, भाई तीन लोग हैं, तीनों लोग जो है 40 दिन में कर रहे हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलके 40 दिन में कर रहे हैं। अब आगे की लाइन देखो, आगे क्या बोल रहे हैं, 16 दिन, भाई 16 दिन सीधे दे दिए, 16 दिन बी और सी के साथ में ए ने कार्य किया, तो अब देखो यहाँ पे क्षमता क्या करनी पड़ेगी मुझे, लेट, भाई इन तीनों की क्षमता, जैसे मैंने 2 केस कराए थे आपको, बहुत सारे टाइप करा दिए इस टाइप के भी क्वेश्चन, कि यहाँ पे हमें इफिशियंसी लेट करनी होती है, तो क्षमता मैंने मान ली कम से कम एक मान ली थी, मतलब 3 मान ली। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुल काम निकल के आएगा 4×12, मतलब 120 तो हो गया टोटल वर्क, क्या हो गया 120 टोटल वर्क, मतलब कुल काम है 120। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, कब, काम करने के बाद, कब, कितने दिन, 16 दिन, कितने दिन कार्य किया उसने, 16 दिन बी और सी के साथ, तो मतलब मैं ये नहीं कह सकता ए प्लस बी प्लस सी कब तक काम कर रहे थे, भाई 16 दिन तक कार्य कर रहे थे, 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48 माइनस कर देंगे, भाई इतना वर्क डन हो गया, 48 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, उसके बाद में ए कार्य छोड़कर चला जाता है और बी सी 40 दिन में पूरा करते हैं, जो आगे का काम है, अब ए चला गया, अब बचा कौन, बी प्लस सी बचा, अब बी प्लस सी शेष कार्य कितने दिन में करेगा वो हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले मुझे माइनस करना होगा, माइनस करने पे कितना बच जाएगा जरा बताइएगा, 80 मतलब 72, कितना बचेगा, 72, देख लीजिए, चेक कर लीजिए कितना बच जाएगा, 72। अब देखो 72 काम को जो कि दोनों कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं, भाई 40 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में, 40 दिन में कर रहे हैं। अब देखो 72 काम को 40 दिन में करेंगे तो यहाँ से मैं बी और सी की इफिशियंसी निकाल लूँगा, इफिशियंसी निकाल लो तो फिर क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, ठीक है, या फिर एक काम कीजिए 4 से नीचे तो 10 हो गया, 4×2 = 40 और 4×1 = 4 बचे कितने,
तीन, चार आठ बत्तीस, अठारह बट्टे दस, तो मतलब B प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1.8 हो जाएगी, कितनी 1.8। अब B और C की क्षमता हो गई कितनी 1.8, तो बताओ कि यहाँ पे A की इफिशियंसी कितनी हो गई, A की क्षमता और निकाल लेते हैं। तो A प्लस B प्लस सी कितना है मेरा, A प्लस B प्लस सी मैंने माना था तीन, तीन है तो B प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 1.8। ठीक है, आप तीन नहीं छः मान सकते हो, छः नहीं दस मान सकते हो, दस नहीं सौ मान सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपको इक्वली मिलेगी। ठीक है, आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू होगी 3 - 1.8, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2। यहां पे ये क्या है, ए की क्षमता है, अब ए की इफिशियंसी आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो ए जो है अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 120 काम है और जो कि ए अकेला करेगा 1.2 की इफिशियंसी से, पॉइंट हटा दो एक जीरो, 12 से 12 कट गया, तो कितना हो जाएगा आंसर 100 डेज हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप बहुत आसानी से इस वे से कर सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं करा चुका हूँ बहुत सारे। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से देखिएगा, ए कॉमा बी और सी किसी काम को क्रम से 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी तीन लोग हैं, ठीक है, ए बी और सी कितने कितने दिन में, 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले इनका क्या होगा एलसीएम, कितना हो जाएगा 60, 10 छिंगा 12 पंजा 15 चौका, ये हो गया हमारा 60 एलसीएम। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, भाई ए ने काम पूरा होने से, काम पूरा यहाँ पे हुआ, काम पूरा होने से 5 दिन पहले कौन चला गया भाई, ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब जब ए छोड़ दिया, जब उसके बाद में 2 दिन बाद में क्या हो गया, 2 दिन बाद में बी ने भी छोड़ दिया, तो भाई ये देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 5 है, और 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो ये कितना होगा 3 होगा, समझ गए, कुछ नहीं है। देखो यहां पे जो है ये आपको अलग कर लेनी है बस, क्योंकि एक के ऊपर एक होता है समय। अब यहां पे देखो काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, अब ए के 2 दिन बाद ए ने जैसे ही छोड़ा उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, समझ गए। अब क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी हम काम पे लगा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मैंने काम पे लगा दिए। अब ए प्लस बी प्लस सी काम पे लगा दिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन है, ए उतर गया तो बी प्लस सी बचा, और बी प्लस सी में से बी उतर गया तो बचा कौन, सी, ठीक है, अब सी बचा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 2 है बी और सी, बी और सी की इफिशियंसी कितनी, 5 और 4 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 9 × 2 = 18, ये क्या हो जाएगा 18। अब क्या करना है, सी क्या है हमारा 4, एक दिन में 4 करता है तो 3 दिन में कितना 12, 18 और 12 कितना हो जाएगा 18, और 12 को प्लस करेंगे तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो गया 30, तो 30 काम हो गया, 30 माइनस कर दो भाई, बचा कितना 30 ही बचा। अब जो 30 काम है वो किसने किया होगा भाई, इन तीनों ने मिलके, 6 और 4 = 10 और 5 = 15 से भाग कर देंगे तो कितने दिन लग गए इस 30 को, 2 दिन। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन या तो कुल पूछेगा या कुछ और पूछेगा, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है समाप्त काम करने के लिए 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, समस्त मतलब होता है पूरा काम करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी, समस्त काम मतलब टोटल वर्क, तो देखो ये वाला एरिया कितना है 5, तो ये तो 5 दिन हो गए, और ये कितना है 2 दिन, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल मिला के 7 डेज हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आप सिंपल वे से इसे सॉल्व कर सकते हो, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। और आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट से नहीं देखी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट पार्ट से देखिए, सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़।
चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, आप फटाफट से नोट कीजिए। ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है सारे और आप सिंपल ही कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन आप ट्रिक से करो। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट सीखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर पढ़ना सीखे तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से देखिएगा, 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखो 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भैया, 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया। देखो 30 दिन बाद ही तो छोड़ रहे हैं, तो 30 दिन तक तो 12 आदमियों ने काम किया होगा। तो मैं सीधे सीधे देख ले रहा हूं यहां टोटल वर्क कितना है, 12 नंबर 1080 कितना हो गया, 1080 हो गया। अब क्या करना है, सिंपली 12 नंबर 108, ठीक है, और 10 का 10, ये क्या है कुल काम। अब 12 लोगों ने 30 दिन तक तो कार्य किया, कितने दिन तक, 30 दिन तक, 12 तिया 36, 36 10, 12 तिया 36 और 10 माइनस करेंगे तो हमारा वो वर्क बचेगा जो कि रह गया है। ठीक है, 360 काम। देखो मैं सीधे दोबारा बोलता हूँ, 12 नंबर 108 और 10, तो मतलब टोटल वर्क ये कितना है, ये क्या है मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, अब 12 लोगों ने 30 दिन तक तो कार्य किया भाई, 30 दिन में कितना कर लिया होगा, 360 कर लिया होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 0 में से 0 0 बचा। अब यहाँ पे देखो कितना है, 8, 1 कैरी, तो मतलब 18 में से 6 गए या फिर 8 में से 6 गए तो कितने बचे फ्रेंड्स, तो सीधे सीधे 2 बचे, और 10 में से 3 गए तो 7 बचे, तो मतलब यहाँ पे 720 टोटल मतलब रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। ये क्या है मेरा शेष कार्य। ठीक है, अब शेष कार्य 720 बचा हुआ है, तो फ्रेंड्स शेष कार्य करने के लिए कितने आदमी हैं, कितनी औरतें वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहे कि उन्होंने जो है 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और फिर 8 आदमी शामिल हो गए। भाई 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए, भाई देखो 12 में से 2 चले गए, बचे कितने आदमी, 10 बचे, कितने 10 बचे। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि 8 आदमी शामिल हो गए, भाई 8 आदमी शामिल हो गए तो 8 हो गए, मतलब टोटल मिला के कितने हो गए आदमी, 18 आदमी हैं जो कि अब कितना काम करेंगे, 720 काम करेंगे। तो 720 काम करने में 18 आदमियों को कितना समय लगेगा, 18 × 72 तो मतलब कितना समय लगेगा, 40 दिन। 40 दिन में ये शेष कार्य हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है शामिल हो गए शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, हमारा जो है 40 दिन आंसर हो जाएगा। समझ गए, करेक्ट आंसर 40 दिन हो जाएगा। एक बार दोबारा देखो, 12 नंबर 108 ये टोटल वर्क निकाल लिया मैंने, 12 लोगों ने 30 दिन तक काम किया होगा, 360 काम कर लिया होगा, 360 माइनस किए तो कितना हो गया, 720 हो गया। अब 720 शेष कार्य बचा हुआ है जो कि कौन करेगा, भाई ये 18 लोग करेंगे। क्यों, क्योंकि 12 में से 2 चले गए, बचे कितने, 10 आदमी, 8 आदमी और आगे 18 आदमी हो गए, ये क्या है 18 आदमी है। ठीक है, 18 आदमी है और जो है 720 काम 18 के भाव से करेंगे तो 40 दिन का समय लेंगे। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा उसे वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में। देखो ए जो है एक कार्य को कर रहा है 10 दिनों में, ठीक है, बी जो है उसी कार्य को कर रहा है कितने दिनों में,
15 दिनों में। ठीक है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 10 तिया 15 दुनी। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। उन्होंने 7 कार्य शुरू किया किंतु बी ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। भाई उन्होंने जो है एक साथ कितने दिन तक कार्य किया, कम से कम 5 दिन तो किया होगा, क्यों 5 दिन बाद ही तो छोड़ रहे, तो कम से कम 5 दिन तक उन दोनों ने काम कर लिया होगा। तो 5 दिन में कितना कर लिया होगा भाई, एक दिन में कितना कर रहे हैं 3 और 2 5, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे 25 काम कर लेंगे। भाई देखो 25 काम तो हो गया, कितना हो गया 25 काम हो गया, माइनस कर दूं 25, शेष काम निकल के आ जाएगा कितना बचा शेष, 5 काम शेष बचा। अब आगे देखते हो कौन छोड़ के जा रहा है कौन नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 है, बी ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। भाई बी ने, अब जो है बी चला गया, ठीक है बी चला गया, तो क्वेश्चन कह रहा है ए कितने दिन में शेष कार्य पूरा करेगा। अब देखो शेष कार्य कितना बचा है 5, शेष कार्य को ए, ए कितनी है ए की इफिशियंसी 3, कितने दिन में पूरा करेगा 5/3 दिन में। तो ऑप्शन में क्या है 5/3, या तो काट लो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, बचे कितने 2/3 दिन, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 2 हमें दिया हुआ है बुक में, तो हमारा ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, ए 10 दिन में कर रहा, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम, ए और बी मिलकर 5 दिन काम करते, एक दिन में 5 कर रहे, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे 25 काम। अब 25 काम कर लिए, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 5, माइनस करके देख लिया हमने 5 बचा। अब 5 काम को ए से करवा रहे, तो यहाँ पे ए की इफिशियंसी ले लेंगे, नीचे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2/3, ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन काम किया, ठीक है उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। देखो ए और बी जो है 30 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। ठीक है आगे क्या बोला, उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। अब सबसे पहले एलसीएम इनकी इफिशियंसी लेट कर लो, कम से कम 2, जो कि मैंने आपको करा दिया 30 × 60 हो गया। अब ये दो है ए प्लस बी 20 दिन तक कार्य करते हैं, तो भाई 20 दिन में कितना कर लेंगे, एक दिन में जब 2 कर रहे हैं तो 40 काम कर लिया इन्होंने, शेष काम कितना बचा 20 काम बचा, ये क्या है मेरा शेष काम। ये मैंने आपको टाइप फर्स्ट में भी कराया है, यहाँ पे भी दोबारा करा देता हूँ, और टाइप सेकंड में भी 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के निकल चुके हैं, अगर आपने देखा होगा तो देख लिया होगा। ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कि शेष कार्य कितना बचा 20। अब उसके बाद में बोला 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, 20 दिन काम किया बी ने कार्य छोड़ दिया। अब ए जो है शेष कार्य 20 दिन में करता है, अब जो है ए शेष कार्य कितना है 20 है, कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो एफिशिएंसी निकल के आ गई ए की 1, ये क्या है ए की एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन सब टोटल वर्क किससे करवाएगा, तो ए अकेला वही काम कितने समय में करेगा भाई 60 काम है और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो कितने दिन में कर लेगा 60 डेज में, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल वे से आप लोग इसे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से उसे नोट कीजिएगा प्लीज। क्या करें तबीयत खराब है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। राम और हरी 12 केजी गिरी 2 दिन में काट सकते, 2 दिन में कितनी काट रहे हैं भाई, देखिए ध्यान से देखना, 2 दिन में कितनी काट रहे हैं 12 केजी गिरी, तो भाई एक दिन में कितनी काट लेंगे जरा बताइएगा। मन में बोला होगा कि 6 केजी बोला, पक्का कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं। ठीक है अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 दिन बाद हरी काम छोड़ देता है, राम और हरी मिलकर काम कर रहे हैं, राम और हरी 12 केजी गिरी 2 दिन में काट सकते हैं, इसमें कौन कौन है, मैं इस 40 को ऊपर लिखता हूं, राम प्लस हरी 2 दिन में काट रहे हैं 12 केजी, और राम प्लस हरी एक दिन में कितना काट देते हैं 6 केजी। ठीक है आगे देख लेते हैं एक बार और, 5 दिन बाद हरी काम छोड़ देता है, हरी जो है 5 दिन बाद चला गया,
ठीक है। तो पांच दिन में इसने करना कितना कर लिया होगा भाई, एक दिन में छह कर रहा है, तो राम और हरि ने, राम प्लस हरि ने पांच दिन में कितना कर लिया होगा, पांच इंटू छह मतलब पांच के तीस के जी, तीस के जी काम कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो राम और हरि ने तीस के जी काम तो कर लिया, ठीक है। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पांच दिन बाद हरि काम छोड़कर चला गया, ठीक है। राम को शेषगिरी काटने में आठ दिन लगे। अब देखो इसके बाद हरि चला गया, कौन चला गया दोबारा देख लीजिएगा ध्यान से, पांच दिन बाद हरि, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया, हरि काम छोड़कर चला जाता है और राम को शेष कार्य करने में, अब शेष कार्य कितना बचा हमें क्या पता, अभी तो 30 काम हुआ है लेकिन कुल कार्य इसमें जरूर दिया होगा, यदि कुल 58 के जी गिरी काटनी है, ये कितनी कट गई हमारी 30, टोटल है 58, टोटल 58 है और 58 में से अगर मैं कितनी 30 कटा दूं तो कितनी के जी गिरी बच गई अभी 28 के जी, ये क्या है मेरा शेष कार्य, ये क्या है मेरा 28 के जी शेष कार्य, 28 के जी यहाँ पे क्या है शेष गिरी बची हुई है, और 28 के जी को कौन काटेगा भाई, हरी तो चला गया पांच दिन काम करके, बचा कौन राम, और राम जो है इसको काटने में कितना समय ले लेता है, आठ दिन का समय, कितना समय आठ दिन का समय, चार से काट लूं, चार सत्य 28 और चार दुनी आठ, सात बट्टे दो मतलब कितना हो गया 3.5 केजी, मतलब ये है कि जो राम है वो एक दिन में कितना काटता है 3.5 केजी, राम जो है एक दिन में 3.5 केजी काट रहा है भाई। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हरि को 10 केजी गिरी काटने में कितना समय लगेगा। तो देखो भाई राम की इफिशियंसी निकल के आ गई, राम जो है 3.5 काट रहा है, राम और हरि दोनों कितने काट रहे हैं एक दिन में, एक दिन में ही देखते हैं, राम और हरि एक दिन में 6 काट रहे हैं। तो जरा ये बताइए कि हरि कितनी काट रहा होगा एक दिन में, जब राम 3.5 काट रहा है तो हरि कहीं ना कहीं 2.5 काट रहा होगा, क्योंकि राम प्लस हरि कितना है, राम प्लस हरि इज इक्वल टू है 6। अब देखो इसमें से राम है मेरा 3.5, कितना 3.5 प्लस एच इज इक्वल टू 6, तो एच इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा भाई 2.5, 2.5 केजी आ गई, 2.5 केजी हरी की क्षमता है, मतलब एक दिन का कार्य होता है हमारी क्या इफिशियंसी मतलब क्षमता। अब देखो हरी जो है 2.5 केजी एक दिन में काटते हैं, तो क्वेश्चन ने पूछा कितने 10 दिन में, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन ने बोला है हरी को 10 केजी गरी काटने में कितना समय लगेगा, तो 10 केजी कटवानी है भाई, 10 केजी कटवानी है, ये मैंने 25 केजी काटी है, जब 2.5 केजी एक दिन में, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, मुझे पता है डाउट होगा आपका, हो सकता है सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो हरी जो है वन डे में एक दिन में कितनी काट रहा है, हरी की बात करते हैं 2.5 केजी। अब मुझे कटवानी कितनी है भाई, जो केजी है वो कितने तक पहुंचवाना है मुझे 10 केजी, 25 चौके 100, एक जीरो कट गई मतलब 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना समय लग जाएगा, 4 दिन का समय लग जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो कि 2.5 से 10 केजी को, 10 केजी को भाग कर दो 2.5 से, क्योंकि ये कितने दिन का है एक दिन का, एक दिन से मैं भाग कर दूंगा, पॉइंट उठाऊंगा, 1.025 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 4 डेज, यहां से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब टोटल मिला के 10 केजी गरी काटने में हरि को 4 दिन का समय लगेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। फटाफट से वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कीजिए, जिसे भी नोट करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग सीरीज वे में वीडियो देखते रहिए और सिंपल वे से करते रहिए, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए, जिसे भी नोट करना है, ओके। हम चलते हैं आगे की ओर, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, राम और हरि 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है, रमेश और रहमान किसी कार्य को क्रम से 20 और 25 दिन में कर रहे हैं। रमेश और रहमान
किसी काम को 20 और 25 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम कितना होगा भाई, 100 हो जाएगा, 20 पंजे 25 चौके, ठीक है 20। अब ये हो गया क्लियर, दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। देखो भाई दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं दोनों मिलके, 9। 10 दिन में कितना कर लिया होगा, 9 × 2 = 90। टोटल में ऐसे माइनस कर दो 90 बचा, कितना शेष काम, 10। 10 क्या है, ये शेष काम है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं, उसके कारण वो छोड़ देते हैं। मतलब जो है ये दोनों कौन कर रहा था, ये रमेश और रहमान, रमेश प्लस आर, मतलब आर ए फॉर हो गया रमेश और आर फॉर रहमान, ठीक है। ये दोनों जो है 10 दिन तक काम करते हैं, 90 काम कर लिया, माइनस कर दिया, 10 काम रह गया, और 10 काम छोड़ा, मतलब 10 काम ना होने से पहले ही वो बीमार पड़ जाते और वो चले जाते हैं, ठीक है। अब किसी और को बुलाना पड़ेगा, देखते हैं कौन आता है। उसके बाद में बीमार पड़ जाते हैं और वो चले जाते हैं, शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। अब शेष काम सुरेश नया कैंडिडेट आ गया, शेष कितना बचा है 10, जो कि 3 दिन में पूरा कर रहा है, तो 10/3 क्या होगी, सुरेश की क्षमता होगी। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, बताइए सुरेश अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पूरा काम कितना है भाई, 100, और जो कि इसकी क्षमता कितनी, ये पूरी क्या है इसकी, सुरेश की इफिशियंसी क्या है, क्षमता, क्या बोल सकते हैं हम इसे, क्षमता। कितना समय लेगा, 10/3 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, 0 से 0 कट गई, 10 × 30, तो 30 दिन का ये समय लेगा पूरा काम करने में सुरेश, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 दिन एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, ए कोई काम 10 दिन में करता है। ए देखो कोई काम है, ए जो है कोई काम 10 दिन में करता है। बी जो है वही काम 12 दिन में करता है। बी जो है वही काम 12 दिन में करता है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, वे दोनों मिलकर। अब एक काम कर ले, सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 × 10 = 12, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। वे दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी जो है 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 और 5 = 11, 11 × 3 = 33, 33 काम हो गया, माइनस कर दूं 33 बचेगा कितना, 27। अब 27 काम शेष बचा हुआ है, ये ए प्लस बी ने काम कर लिया 3 दिन के अंदर 11, कितना 33 काम। अब आगे देखते क्या कह रहे हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। भाई बी चला गया, भाई बी चला गया कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, ए अकेले काम करता रहता है और उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। मतलब 2 दिन तक और जो है ए ने जो है 2 दिन तक कार्य किया, 2 दिन में कितना कर लिया होगा भाई, ए जो है 1 दिन में करता है 6, तो 2 दिन में कितना कर लिया होगा, 12 काम कर लिया होगा, तो 12 और माइनस कर दूं बचेगा कितना, 5 × 1 = 15। अब मतलब 15 शेष काम बचे। अब जो है सी आ जाता है, कौन आ जाता है, अब सी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन देखते हैं, ए अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, और 2 दिन और सी काम पर आ जाता है, और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। अब देखो शेष काम कितना बचा है, 15। ए तो अपना काम कर ही रहा है और सी और आ गया, ए और सी मिलके 15 काम करेंगे, लेकिन कितने दिन में। अब ए की क्षमता तो पता है, एक सेकेंड दोबारा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अकेला काम करता रहता है, ए अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है, और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है, मतलब जो ये वाला काम है ना, ये 2 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें, तो सी अकेला काम करे तो उसे कितने दिन लगेंगे। अब कैसे भी करके यहाँ से सी की इफिशियंसी निकालनी है भाई, सी की क्षमता कैसे निकाल सकते हैं। तो सी की क्षमता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से कैसे भी करके इन दोनों को अलग कर लो भाई। अब अलग कैसे कर सकते, वो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है भाई, वो कर रहा है ए काम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, ए और सी की क्षमता निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15 काम है, अब देखो यहाँ पे 15 काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन और लगते हैं, मतलब सी को आने के बाद में 2 दिन और लगते हैं। तो भाई देखो 2 दिन और लगेंगे, तो डिवाइड दे दो कितना हो जाएगा, 2 से भाग करूँगा तो 7.5
कितना हो गया 7.5। तो मतलब यहाँ से मुझे पता चला a प्लस सी इज इक्वल टू है 7.5, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 7.5, और a कितना है मेरा 6। a की जगह पे 6 रख दूँ प्लस सी इज इक्वल टू 7.5, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5। c की इफिशियंसी निकल आ गई लोग। अब c की इफिशियंसी आ गई कितनी 1.5। अब C की क्षमता 1.5 है, तो अब C जो है इस काम को 60 काम को करने में कितना समय लेगा, तो 60 को भाग कर दूं कितने से 1.5 से, पॉइंट हटा दूं 10, 15 से काटेंगे 15 चौके 60, तो मतलब कितना समय लेगा 40 डेज का समय लेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आप इस वे से कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का शायद मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन और बचता है 43, तो हम उसे भी फिनिश कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग चिल्लाते रहते हो जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, ठीक है, मेरे साथ साथ किया करो। उन्होंने एक साथ 5 दिन तक कार्य किया। भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले क्षमता मान लो, क्योंकि 5 दिन तक कार्य किया इन्होंने, सीधे बोल दिया और कुछ बीच में नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं इनकी क्षमता मान लेता हूँ, कितनी 2 लोग हैं तो 2, तो भाई टोटल वर्क निकालने के लिए कितना हो जाएगा 12 × 2 = 24 हो गया कुल काम। अब उन दोनों ने कितने दिन तक काम किया भाई, 5 दिन तक काम किया। एक दिन में करते हैं 2, तो कितना काम कर लिए 10 काम कर लिए, माइनस कर दूँ तो बचेगा कितना 14। ये क्या है मेरा शेष काम, ये क्या हो गया मेरा शेष कार्य हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं। उन्होंने एक साथ 5 दिन तक कार्य किया और फिर ए अकेले ही शेष कार्य को 14 दिन में करता है। अब देखो अब ए प्लस बी है, अब उसके बाद बी चला गया, इसने ये नहीं बोला कि बी जा रहे, लेकिन फिर ये बोला 5 दिन तक कार्य करते हैं साथ में, फिर जो है ए ने अकेले का मतलब क्या, बी चला गया होगा जब भी, तो ए अकेले आया होगा, तो ए ने अकेले शेष कार्य कितना 14 है, और कितने दिन में किया 14 दिन में किया, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 1। एक की एफिशिएंसी आ गई, मतलब क्षमता आ गई ए की 1। अब ए अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, मतलब कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 24/1 मतलब 24 दिन, तो कितना हो जाएगा ए इज इक्वल टू कुल काम कितना है मेरा 24, करता कितना है 1 करता है, तो 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 डेज हमारा क्या होगा आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यह हमारा टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें इफिशियंसी लेट करनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। विदाउट इफिशियंसी लेट करे नहीं होगा, फिर हमें एक्स में जाना पड़ेगा, तो एक्स से बचने के लिए आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट टाइम में टाइप 3 में टाइम एंड वर्क के, ठीक है फ्रेंड्स। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से आप स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ओके फ्रेंड्स, बाय।